अक्सर करके घर में हम कुछ ऐसी सब्जियों को खाते हैं और उसके छिलके को बेकार समझ करके फेंक देते हैं, लेकिन ये छिलका इस चीज़ के लिए इतना उपयोगी होता है, जैसे कि पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, पौधों की पत्तियां कभी कभी जली जली सी महसूस होती हैं, देखते होंगे आप बहुत सारे पौधों में किनारे पे पत्तियां जली सी दिखती हैं, तो ऐसा इसी चीज़ की कमी से होता है। तो इसका जो है रासायनिक चीज जिंक होता है, तो जिंक डालने से ये कमी दूर होती है, लेकिन हम जिंक का प्रयोग, रसायन का प्रयोग अपने पौधे में बिल्कुल नहीं करते हैं। घर की रिजेक्ट चीज़ें ऑर्गेनिक चीज़ों से ही बहुत अच्छा रिजल्ट लेते हैं और समय समय पे हम उसको हर कुछ देते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं फूल की साइज कितनी अच्छी है और हर एक ब्रांच कलियों और फूलों से भरा हुआ है। देखिए मैं चारों तरफ से आपको पहले इस पौधे को दिखा दे रही हूँ, तो समय समय पे इसको क्या क्या देना पड़ता है, जिस तरह से मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन सब कुछ देते हैं, उसी तरह से इसको समय समय पे जिंक भी दीजिए, हर कुछ देने की ज़रूरत होती है। तो हर चीज़ें हमारे घर में मौजूद होती हैं, बट हमें पता नहीं होता है कि उसको हमें कैसे देना चाहिए, उसका क्या रेशियो रखना है और कितने समय के अंतराल में हम उसको दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपसे यही बात करेंगे कि यह चीज़ हमको कैसे देना है, कितने समय के अंतराल में देना है, इसका क्या रेशियो रखना है और पौधे में हम इसको कैसे दे सकते हैं, कैसे इसका प्रयोग हमको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो देखिए यह हमारा जो है हाइब्रिड गुड़हल है, इसी तरह से यह हमारा गुड़हल देसी है। तो हम किस गुड़हल वेराइटी मायने नहीं रखती है, मायने रखती है एक ही प्रजाति का पौधा है, तो हम इसको आराम से इस चीज़ को दे सकते हैं। तो देखिए यह भी पूरा फूलों से लदा हुआ है, यही कारण होता है कि पौधों का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, तो ग्रोथ भी इससे बहुत अच्छी होती है और इसके हर ब्रांच मजबूती के साथ आते हैं और ये ब्रांच टूटते नहीं हैं इस चीज़ से। तो आपको इसका ध्यान रखना है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको कभी भी बेकार मत जाने दीजिए। तो आप देख सकते हैं यह क्या चीज़ है, यह है कटहल यानी कि जैक फ्रूट, उसका छिलका, कटहल नहीं है सिर्फ उसका ऊपरी परत का छिलका है, आपको दिख रहा होगा देखिए। और इसको ताज़ा नहीं डालना है, तो सब्जी बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उसके छिलकों को आप निकाल लीजिए, क्योंकि इस समय इसका सीजन है, तो सीजन में सभी छिलकों को आप इकट्ठा करिए। मैं आपको समय समय पे बताती रहूँगी कि किस छिलके का प्रयोग आपको पौधे में कैसे करना है, बिल्कुल आप छिलकों को मत फेंका करिए। तो इस तरह से देखिए पौधे में आप सबसे पहले मैं देने का आपको तरीका बता रही हूँ, आपको इसको देना कैसे है। तो आप देखिए सिर्फ गुड़हल में ही नहीं, आप और प्लांट में दे सकते हैं, जैसा कि मैं बताई हूँ कि अगर इस तरह की समस्या दिखे, तो जैसे ब्रांच अच्छे नहीं आ रहे हैं, पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं है और उसके साथ साथ पौधों की पत्तियाँ जली जली सी नज़र आती हों, चाहे किसी भी प्लांट का वो पौधा हो, चाहे कोई भी प्लांट हो और किसी भी वेराइटी का हो, अगर ये तमाम प्रकार की समस्याएँ हैं आपके साथ, तो आप इस चीज़ का प्रयोग जरूर करिए। देखिए मैं चारों तरफ से आपको दिखा दे रही हूँ, अब बहुत अच्छा ग्रोथ लेकर के हमारा पौधा इन्हीं सब चीज़ों से चलता है। तो हमारे कई सारे व्यूअर्स भाई बहन कहते हैं कि हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, तो इसीलिए मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि आप घर की चीज़ों से बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो देखिए इसको देने का मैं आपको तरीका बताऊँगी, इसमें कोई तामझाम नहीं है, कोई विशेष मेहनत नहीं है, बहुत कम मेहनत में आप इस चीज़ से अपने पौधे को बहुत अच्छा खासा स्वस्थ और हेल्दी बना सकते हैं। तो देखिए देने से पहले क्या करना है आपको, ये पौधे में पानी दे देना है, पानी आप देते रहिए सुबह शाम, किसी भी समय आप इसको दे सकते हैं, इसका कोई न समय लिमिट है न कुछ है, बस आप दीजिए। लेकिन देना कैसे है, तुरंत ताज़ा नहीं देना है, इसको सुखा लेना है, दो तीन दिन धूप में इसको सुखा लेना है इसके छिलके को। तो देखिए ये टूट जा रहा है आराम से, ये टूटना चाहिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि ये टूटना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का हमारे पौधे में फंगस ना लगे। मेरा सिद्धांत होता है कि आप अपने पौधे को बचा करके ही कोई काम करिए, क्योंकि हम रसायन नहीं दे रहे हैं, हम घर की चीज़ें दे रहे हैं, तो हम फंगस से भी अपने पौधे को बचाएंगे। आपको दिख रहा होगा मेरे पौधे कितने हेल्दी, मिट्टी भी कितने स्वस्थ है। तो अब इसे डालना कैसे है, आप चाहें तो अगर आपके पौधे में किसी भी प्रकार की बीमारी है, तो आप इस चीज़ को
मिक्सर में पीस करके भी डाल सकते हैं। बट मेरे पौधे बिल्कुल स्वस्थ हैं तो मैं पीसूंगी नहीं इसको, मैं ऐसे ही हर साल गर्मी के दिनों में इस चीज़ को डालती हूँ अपने पौधे में। जब समय आता है इसका तो मैं जब सब्जी वगैरह बनाती हूँ तो छिलकों को फेंकती नहीं हूँ और मैं अपने पौधों में इसको यूज कर लेती हूँ। तो देखिए मैं 2-3 दिन से सुखाई थी। और रेशियो कितना लेना है, अगर आपका 12 इंच का गमला है तो आप एक मुट्ठी ही बस डाल दीजिए, इससे बहुत अच्छा जिंक मिलता है। और अगर आपका जैसे मेरा तो बड़ा है तो मैं इसमें कम से कम 3-4 मुट्ठी है मैं डाल दूंगी, आराम से इसमें डालूंगी, कोई भी कोताही मैं नहीं बरतती हूँ ऑर्गेनिक चीज़ देने के लिए, क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं होता है। तो आप 1-2 मुट्ठी डाल दीजिए अगर आपके पास है सूखा। अगर मान लीजिए आपको और तुरंत रिजल्ट चाहिए, जैसे हमको धीरे धीरे रिजल्ट देता है, हमारे पौधे तुरंत ही इतने घने अच्छे खूबसूरत नहीं हो गए, मैं धीरे धीरे हर चीज़ का रिजल्ट लेती हूँ। अगर आपको तुरंत रिजल्ट लेना है, आपके पौधे की ब्रांच अच्छी नहीं है, मोटे नहीं है, तो आप क्या करिए कि इसको पीस दीजिए मिक्सर में। पीसने के बाद इसको बारीक इसका चूरा बना लीजिए और इसके सभी जड़ में, किनारे किनारे जड़ में, रूट्स के पार्ट आराम से इसको आप डाल सकते हैं। और डाल करके इसको मिट्टी से ढक देना है, आपको खुला नहीं छोड़ना है, इस तरह से मिट्टी से सारा ढक दीजिए, कुछ भी दिखना नहीं चाहिए, यह चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब इसमें बहुत अच्छे मिनरल्स होते हैं, बहुत अच्छे विटामिन्स होते हैं, और जैसे जैसे आप पानी डालते जाएंगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता जाएगा। और जब 2-3-4 महीने बीतेंगे ना, जैसे जब बरसात आएगा तो इससे इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत हेल्दी आपका पौधा हो जाएगा और ब्रांच इतने मजबूत आएंगे निकलेंगे कि चाहे उस पर 10-20 फूल भी लग जाए तो भी ब्रांच टूटेंगे नहीं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। आप देखिए मैं इसको पूरा ढक दी, पानी वानी आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं, पहले से ही आप पानी दिए हुए हैं, अगर पानी नहीं दिए तो पानी दे दीजिए। धीरे 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 पानी जैसे जैसे इसमें जाता जाएगा और पौधे के रूट्स को मिलते जाएंगे। तो इसी तरह से इस वाले गुड़हल में भी हम डालेंगे और डालने के बाद इसको भी इसी तरह से हम ढक देंगे। तो एक गुड़हल भी देखिए मेरा थोड़ा बड़ा है, तो एक ये भी मैं 2-3 मुट्ठी के करीब ले ली हूँ। तो आपका जैसा पौधा रहे, कम ज़्यादा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सब चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम इसको भी, इसमें बहुत कम जगह है, हम एक जगह रख करके हम इसको मिट्टी से ढक देंगे, ऊपरी परत से ढक देंगे, तो ये धीरे धीरे आराम से सब घुलता जाएगा और मिलता जाएगा पौधे को, और सभी प्रकार की दिक्कतें दूर होती जाएंगी। तो है ना यह कमाल का चीज़। तो आप बिल्कुल ना, अगर आपके घर में कटहल आ रहा है तो कटहल खाइए, बट उसके छिलके को मत फेंकिए, उसको रख दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा पौधे की। देख रहे हैं ग्रोथ कितनी अच्छी है, कितना देखिए मैं इसको मैं दिखा दे रही हूँ और कितने सुंदर सुंदर से ब्रांच और फूल का साइज है। तो इन्हीं सब चीज़ों का नतीजा, इसमें मैं पानी नहीं दी थी तो मैं पानी भी डाल दे रही हूँ थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं। फिर जैसे जैसे इसको पानी मिलेगा, पौधा अच्छा खासा ग्रोथ, और देख सकते हैं आप कितना मोटा तना है इसका, और लेकर के चलेगा, बहुत अच्छी फ्लावरिंग आपको मिलती जाएगी। तो आप भी इस चीज़ का प्रयोग अपने पौधे में करिए। और आपको देना कब है, पूरे सीजन में बस एक बार सिर्फ, यानी कि गर्मी में इसका सीजन होता है तो आप एक बार गर्मी में, एक साल में आप इसको एक बार 2-3 मुट्ठी दे दीजिए और ढक दीजिए। समस्या रहे तो पीस कर दीजिए, नहीं समस्या है तो ऐसे ही डाल दीजिए, जैसे जैसे पानी से घुलता जाएगा आपके पौधे के रूट्स को मिलते जाएंगे, बहुत अच्छी कलियां भी बनेंगे, फूल भी आएंगे, ब्रांच भी मजबूत होगा, पौधे हरे भरे खूबसूरत रहेंगे। तो इस तरह से आप अपने पौधे से अच्छा खासा फूल पा सकते हैं रिजेक्ट चीज़ों से, और फिर आपको इस चीज़ को बार बार देने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक अपने पौधे का ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।